One small question, sir. Do we consider Jawaharlal Nehru as a treasurer? Yes. See, no question about it. अगर आप मेरी माने तो मैं जवाहरलाल नेहरू पर मरणोपरांत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में हूं. सिर्फ भारत रत्न वापस लेने से काम नहीं चलेगा. लेकिन हम कब तक, मतलब ही डाइड इन 64, ठीक है साहब, विच मीन्स ही डाइड गुड 55 ईयर्स बैक. अब उसकी फोटो को जूते मारिए, उसको गाली बकिए, लेकिन उसने जो किया है उसको रिवर्स करना ज्यादा जरूरी है ना, वो कीजिए. सिर्फ उसको कोसने से काम नहीं होने वाला है. पहले जो काम कर रहा है वो कीजिए, वो भी कर लेंगे बाद में. आपका गुस्सा उस चीज पे निकलना चाहिए जो उसने किया है, ना कि उसके ऊपर खुद, क्योंकि वो इट डजंट मैटर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है. आई होप आई एम क्लियर. थैंक यू. मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं आपको आज इस तरह से लाइव सुना हूं, और मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज शेयर करना चाहता हूं. जैसा कि आपने अनाउंस किया, हमें नहीं पता था कि आप नेताजी सुभाष चंद्र को अपने देश का पहला प्रधानमंत्री मानते हैं, तो मैं भी आपको बड़े गर्व से बोलता हूं, आप जिस मंच पे आज बैठे हैं उस मंच की स्थापना भी हमने 23 जनवरी को ही करी है. तो ये मंच आपका, मतलब आप खाली समझिए कि कहाँ ये अपना ऐसा लिंक हुआ है. और मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से खाली जरा सा एक जाए, खाली एक छोटा सा सजेशन देना है कि यहाँ से जो चिंगारी फेंकते हैं तो नमस्कार सुशील जी, सिर्फ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि 370 और 35 के लिए जब कभी भी फारूक शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी के पास जाते थे और शेख अब्दुल्ला का प्रस्ताव नेहरू जी मानते थे, उसका कारण क्या था, उनकी इतनी मजबूरी क्या थी, उनको इतना खुश करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. इसके विषय में नेहरू जी ने कभी लिख करके कुछ नहीं दिया. उनको लिखने पढ़ने का शौक था, किताबें लिखते थे, पत्र लिखते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जघन्य काम उन्होंने क्यों किया. लेकिन इस पर मेरा एक छोटा सा आकलन है और मैं वो आपसे शेयर करता हूं. ये कोई और गलत भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है. देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 40 के दशक में इस देश में जो चल रहा था वो थी पाकिस्तान मूवमेंट. स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चल रहा था. उस पाकिस्तान मूवमेंट में एक तरफ थे जिन्ना, दूसरी तरफ थे गांधी, नेहरू, पटेल. और हमको ये मानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि गांधी जीता, पार्टीशन हुआ, और गांधी, नेहरू, पटेल हारे. ठीक है, सही है. वो पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ 1940 के लाहौर डिक्लेरेशन के साथ. अब हमने उस पार्टीशन मूवमेंट का कांग्रेस ने कैसे विरोध किया, मतलब आप वहां से देखिए. लाहौर में मुस्लिम लीग कहती है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमान इस पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनका हित सुरक्षित नहीं है. तो कांग्रेस का जवाब यह नहीं है कि नहीं, हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं. उन्होंने फौरन मौलाना आजाद को अपना प्रेसिडेंट बना दिया और कहा कि देखो, हम भी तो मुसलमान पार्टी है, आपका प्रेसिडेंट मुसलमान है, हमारा प्रेसिडेंट भी मुसलमान है. आपका प्रेसिडेंट तो यूरोपियन ड्रेस पहनता है, वाइन पीता है, सुअर खाता है, सिगार फूंकता है, हमारा प्रेसिडेंट तो दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान है, कुरान पढ़ता है, मौलाना है, हाफिज है, रटी हुई है उसको कुरान. तो आप इस तरह की अपीजमेंट करके, मैंने कहा ना, हम फिरौती अदा करते हैं, अपीज करते हैं. आप ये नहीं कहते कि आप कम्युनल हैं, ये डिमांड कम्युनल है और ये देश नहीं बटेगा. आप कहते नहीं नहीं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान पार्टी हैं. 6 साल तक मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे. इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट तब तक नहीं रहा था. 2-2 साल की प्रेसिडेंसी होती थी, 2 टर्म के बाद बदल जाते थे. जब तक कांग्रेस की
हार नहीं हो गई पाकिस्तान इशू के ऊपर, मौलाना आजाद प्रेसिडेंट बने रहे, मुस्लिम लीग और खासकर जिन्ना कहते थे दे आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस इस नाटक पे अड़ी रही कि नहीं नहीं वी आर एज मुस्लिम एज यू आर नंबर वन। अब इतना नाटक करने के बाद भी मुस्लिम इलेक्टोरेट में कांग्रेस को क्या मिला? ये हिस्सा मद्रास, ये निजाम हैदराबाद था, इसके साथ लगता है मद्रास प्रेसिडेंसी, 28 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थी मद्रास प्रेसिडेंसी में जब चुनाव हुए। कितनी जीती कांग्रेस ने? जीरो। लोग कहते हैं ना कि यूपी बिहार के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया, मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को 0/28 सीट मिली, मुस्लिम लीग 28 में से 28 सीट जीती, 95% मुस्लिम सीट्स कांग्रेस हारी, जो 4-5% मुस्लिम सीट्स कांग्रेस जीती वो थी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में खान अब्दुल गफार खान, जो कांग्रेसी था, खांटी मुसलमान था, साथ साथ सेक्युलर भी था, उसके अलावा खदेड़ दिए गए, चाहे नेहरू का स्ट्रांग होल्ड हो, गांधी का स्ट्रांग होल्ड हो, पटेल का स्ट्रांग होल्ड हो, मुसलमान ने कांग्रेस को कहीं वोट नहीं दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, नेहरू को लगता था कि हमने शीर्षासन कर दिया, दसों दिशाओं में सूर्य नमस्कार कर दिया, मुसलमान का दिल नहीं पसीजा। तो मुसलमान ने मुझे पढ़ने में कहीं गलती की, मैं बड़ा सेक्युलर नेता हूं, अब मैं कैसे मुसलमान को कन्विंस करूं? अब हारा हुआ जुआरी जब हारता है तो आखिरी दांव भी कहता है कि चलो ये भी चलूं। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य भारत में आया, ये दिखाना चाहते थे दुनिया के मुसलमान को कि देखो जिन्ना तुमको क्या देता जो मैं दे रहा हूं। जिन्ना तो वहां एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने चला है ना, मैं इस देश के सेक्युलरिज्म को, रिपब्लिकनिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को कश्मीर के दरवाजे पर ही रोक दूंगा, पूरे देश में एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑर्डर होगा, लेकिन कश्मीर में जो शेख चाहेगा वो चलेगा, जो वहां का मुसलमान चाहेगा वो चलेगा, मेरी डेमोक्रेसी मेरा सेक्युलरिज्म वहां नहीं चलेगा। इसलिए कांग्रेस उस क्षण से इस देश में नई मुस्लिम लीग बन गई। उस क्षण आपको अगर सरदार पटेल का कलकत्ते में दिया हुआ भाषण, आजकल उसके वीडियो कहीं कहीं मिल जाते हैं, वो पूछते हैं भैया ओवरनाइट आपका मन कैसे बदल गया, कल तक तो आप सब पाकिस्तान मांग रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम इस देश के वफादार हैं। वो सब कांग्रेस को वोट देने लगे जिन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट किया था, क्योंकि कांग्रेस की नीति ये रही कि अगर मुसलमान हमसे नाराज है तो हमने उसका दिल जीतना है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो हिंदू मेजॉरिटी को अवेलेबल नहीं है। आप अपने स्कूल में अपने स्क्रिप्चर्स, अपने शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, आप अपने इंस्टीट्यूशंस खोलकर वहां अपना सिलेबस नहीं लगा सकते, स्टेट इंटरवीन करता है। ऐसा हुआ, रामकृष्ण मिशन स्कूल चलाता था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बंगाल की, उसने कहा हम टेक ओवर करेंगे, आप इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, आप अध्यात्म पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? तो रामकृष्ण मिशन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अधिकार नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। तो रामकृष्ण मिशन ने एफिडेविट दिया हम हिंदू नहीं है, हम माइनॉरिटीज हैं। ये विकृतियां आई हैं इस तरह के कानूनों के कारण कि रामकृष्ण मिशन जैसे सिस्टम को कहना पड़ता है कि हम हिंदू नहीं है, जिनके मंक्स भगवा पहनते हैं। तो नेहरू ने ऐसा क्यों किया? ये सेक्युलरिज्म की उनकी विकृत सोच के कारण था और उसके तहत कंसेशन अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण था। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 1954 में, 53 में ही, अगस्त 1953 जब गुप्तचर एजेंसी से ये भनक मिली कि शेख अब्दुल्ला अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ मिलकर कश्मीर में अपनी आजादी की घोषणा करने वाले हैं, तो इसी नेहरू ने उनको नजरबंद किया, चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया
और 20 साल तक कश्मीर में घुसने नहीं दिया।